हर स्टेज अहम होगा। रेस में दौड़ रहे होंगे तो इसलिए नहीं दौड़ रहे होंगे कि मुझे 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आज, इसलिए दौड़ रहे होंगे कि सर आज फोड़ना है इसको। एंड टॉक अबाउट द थर्ड, वी टॉक अबाउट द SRTs, तो लगातार जितनी प्रैक्टिसेस सर आपको दे रहे हैं यहाँ पर, दैट्स एनफ फ्रॉम ऑल द वे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। चार ही तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं, कभी कोई सिचुएशन इमोशन बेस्ड आएगी, कभी कोई सिचुएशन मेडिकल बेस आएगी, मतलब मेडिकल से रिलेटेड रहेगा, इमोशन से रिलेटेड रहेगा, किसी सिचुएशन में बेटा थोड़ा सा नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। सिंपल बच्चा जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चा जो है ना दिल दिमाग मन सबसे एक है कि नहीं है। देखो मैं SRT को लेकर हमेशा कहता हूँ कि इट्स बिलोंग टू हार्ट एंड ब्रेन, मतलब इसमें दिल और दिमाग का कनेक्शन होना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं बेटा कि ब्रेन और हार्ट प्लीज दोनों का इस्तेमाल करना जब किसी जवाब को, अब क्या कर रहे हो बच्चा, टिक कर रहे हो या लिख रहे हो, और बिना मतलब कि कोई सिचुएशन ना हो, न्यूट्रल सिचुएशन हो, बिना मतलब का जोश दिखाना ये भी कोई अच्छी साइकोलॉजी का प्रेजेंटेशन नहीं है। इसको हम लोग पागल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पागल साइकोलॉजी। रियल ये है कि जो जैसी सिचुएशन है, जैसा मोमेंट है, उस हिसाब से खुद को रखने की कोशिश करें। तो कैसे हैं आप लोग, चकाचक? समय कम मिला इस बार, हाँ, बट कहते हैं इंसान का आत्मविश्वास अगर बेहतर हो तो समय कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और फौज में हो ये बात तो अब समझना ही होगा एग्जैक्टली। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि सर जो भी इस बार है, जैसी भी चीजें हैं, जो भी शेड्यूल है, सबसे पहली चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कोर क्या रिक्वायरमेंट होगी आपसे। तो सबसे पहले बात तो आत्मविश्वास से लबालब रहिए, बिकॉज आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं, बेहतर हैं, तभी उन 7,50,000 बच्चों में अपनी जगह को क्या कर पाए हैं बच्चा, सुरक्षित कर पाए हैं। ये इतना आसान नहीं है। टेक्निकली ये देखा जाए तो 7,30,000 लोग क्या हुए हैं, बाहर हुए हैं। तो एक स्टेप आपने तय किया, ऑब्वियसली वो एक लंबी जर्नी थी। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप, हर स्टेज अहम होगा। रेस में दौड़ रहे होंगे तो इसलिए नहीं दौड़ रहे होंगे कि मुझे 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आज, इसलिए दौड़ रहे होंगे कि सर आज फोड़ना है इसको, आज कदम रुकने वाले नहीं है, इसमें डबल पावर है सर आज, ये 6.5 मिनट 7 मिनट ये सब समय नहीं दिखाई दे रहा है सर मुझे, इसको मुझे सब विद इन मिनट मारना है। बोले तो 5-5.5 मिनट में क्या मारना है सर, डन मारना है। कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क होने नहीं चाहिए, हर चीज में Grade 1 क्या निकल के आना चाहिए, और सारी शक्ति जो बोले तो यहां से है। और कहां से है बच्चा, यहां से है। अगर यहां से सोच लिया कि कर गुजरेंगे तो कर गुजरेंगे। पुशअप्स, स्क्वाट्स और सिटअप्स को लेके मुझे टेंशन ही नहीं है, वो एक बड़ी ही नॉर्मल एक्सरसाइज है। सब देसी बंदे हो, देसी हो ना भाई, बिल्कुल फाड़ी दोगे, उसको लेके टेंशन करने का जरूरत नहीं मुझे। एंड अभी बुढ़ापे में 50 पुशअप्स मार लेता हूँ, तुम लोग तो अभी जवान हो थोड़े बहुत, हाँ, तो ये मैनेज हो जाएगा। एंड टॉक अबाउट द थर्ड, वी टॉक अबाउट द SRTs, तो लगातार जितनी प्रैक्टिसेस सर आपको दे रहे हैं यहाँ पर, दैट्स एनफ फ्रॉम ऑल द वे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत अजूबा क्वेश्चन नहीं है, तो 100% तो हिट मारना ही मारना, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। एंड बाकी श्रीजान सर आपको पूरी टेक्निक्स डिस्कस कर ही रहे होंगे, किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की परिस्थितियां हैं। चार ही तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं, कभी कोई सिचुएशन इमोशन बेस्ड आएगी, कभी कोई सिचुएशन मेडिकल बेस आएगी, मतलब मेडिकल से रिलेटेड रहेगा, इमोशन से रिलेटेड रहेगा, किसी सिचुएशन में बेटा थोड़ा सा नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, बोले तो कुछ प्राकृतिक आपदा टाइप का दिखाई देगी, वो सिचुएशन हो जाएगी। और चौथी सिचुएशन जो हमेशा होती है वो आपको देते हैं ये लोग जो है टाइम मैनेजमेंट पे, किस पे देते हैं, कि मतलब यहाँ जाना था, ये सिचुएशन है, ये करेंगे कि नहीं करेंगे। बट एक जेन्युइन सा टेस्ट है जिसमें ये सिंपल बच्चा जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चा जो है ना दिल दिमाग मन सबसे एक है कि नहीं है। बोले तो लोगों का क्या होता है कि हर सिचुएशन में वो हाइपोथेटिकल सोचते हैं बहुत ज्यादा, सुपरमैन वाली सोच। अच्छा इसको दिल पे हाथ रखो, सोचो। देखो मैं SRT को लेके हमेशा कहता हूं कि इट्स बिलोंग टू हार्ट एंड ब्रेन, मतलब इसमें दिल और दिमाग का कनेक्शन होना चाहिए। अगर इसमें केवल दिमाग लग गया फिर वो साइंटिस्ट वाला साइकोलॉजी निकलेगा, किसका निकलेगा, मतलब उसमें वो मारने की बात ही नहीं करेगा, केवल बचने की बात करेगा, किसकी बात करेगा, बोले तो वो ओवर डिफेंसिव हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड साइकोलॉजी का केस होता है जब आप केवल हार्ट पे चले जाते हो तो वहां पे भी इमोशनल होकर के फालतू का जवाब। तो द क्वेश्चन इज कि SRT इज ऑल अबाउट यू नीड टू बी वेरी नेचुरल फ्रॉम हार्ट एंड ब्रेन। और मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि आप अगर उनमें जाके सच्चाई से सोच ले तो आपको इतना थ्योरेटिकल भी जाने का जरूरत नहीं है, आप जनरली राइट अप्रोच पे जाओगे और
आप सही जवाब दे के आओगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ बेटा कि ब्रेन और हार्ट प्लीज दोनों का इस्तेमाल करना जब किसी जवाब को आप क्या कर रहे हो बच्चा टिक कर रहे हो या लिख रहे हो। समझ में आ रहा है इसको आपको? तो एसआरटी इज वेरी जेन्युइन। और ऑनेस्ट पार्ट में बोलूं तो जितना प्रैक्टिस आपको करा दिया जा रहा है या जितने एसआरटीज हम करा देंगे दैट्स एनफ, इसके बाहर कुछ जाना होना नहीं है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाइए। फाइन, लेट्स कम टू द मेन पार्ट एंड दैट इज ऑल अबाउट जीडी। ऑब्वियसली ऑलवेज हैविंग अ बिग फियर, एक बड़ा डर होता है अंदर, बड़ा घबराहट होता है, अंग्रेजी नहीं हो गई तोप हो गई, हाँ ऐसा कुछ नहीं है यार। तो कैसा अभी तक कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चा? ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा दिक्कत है अभी, लेकिन वही मतलब कि कम्युनिकेशन में ग्रामेटिकल एरर में। अच्छा, लेकिन बोल पा रहे समझा पा रहे। चलिए एक बार जबरदस्त अपना इंट्रोडक्शन 30 सेकंड में कंप्लीट करिए आप। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, आई एम फ्रॉम बलिया उत्तर प्रदेश, व्हिच इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ मंगल पांडे द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी इन 1857। माय फादर नेम इज अशोक सिंह, हु इज ए सुपरवाइजर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड वी आर 3 सिबलिंग्स, एंड आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम चेन्नई चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, एंड माई हॉबी इज वॉचिंग मूवी, एंड माई स्ट्रेंथ इज पॉजिटिविटी। आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई वॉज इंस्पायर्ड बाई इंडियन एयरमैन लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन, एंड थैंक यू। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन। तुम तो सारे फिट ही दिखाई दे रहे हो यार पूरे, यहाँ क्वाइट कॉन्फिडेंट। अभी थोड़ा 2 साल के इंतजार के बाद जोश दुगना हो गया है सर, क्या हो गया है? तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो थोड़ा सा डरे हुए भी लोग हैं आज थोड़ा ओपन अप हो। मेरा यहाँ उद्देश्य यह है कि डर नहीं होना चाहिए अंदर, क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ मौका मिला बोलो। लेटेस्ट अभी आपको पता है कि बड़ा विवाद चला अग्निवीर प्रोसेस को लेकर, अग्निपथ को लेकर के, हाँ एंड ऑब्वियसली द ऑल आर्म फोर्सेज जो है हेड केम एंड दे गिव द लॉट ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो टेल मी व्हाट यू थिंक, सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 5 पॉजिटिव पॉइंट एंड 5 नेगेटिव पॉइंट रिगार्डिंग अग्निवीर, स्पीक। अग्निवीर पॉलिसी हैज डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज बोथ आल्सो। एडवांटेज आर बाय दिस पॉलिसी एवरी यूथ कैन डिजर्व कैन सर्व आवर नेशन। ओके, वेरी गुड। वंस द ऑल फौजी पीपल विल गो इन द डिफरेंट प्राइवेट डिपार्टमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द डिसिप्लिन लेबर विल इंक्रीज हाईली, डिसिप्लिन एवरीवन, एंड द करप्शन विल रिड्यूस इन आवर कंट्री बिकॉज द फौजी पीपल एंड द फौजी हार्ट आर वेरी ओरिजिनल। व्हेन दे गो इन अदर डिपार्टमेंट दे मेक पीपल डिसिप्लिन पंक्चुअल अप टू द मार्क। बोलना बिंदास जी, वाला ठोके रहो एकदम धार 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 सर। हाँ, एक फौजी आदमी को लेकर तुम क्या क्या विजुलाइज करते हो, वो सारा चीज तुमको अपने शब्दों में बच्चा क्या कर देना है, एक्सप्रेस कर देना है बस। तो इसको पॉजिटिवली आपको रखने का तरीका होना चाहिए। लेकिन पहली बात ये ना बेटा कि किसी भी मुद्दे पे आपके अंदर ऑलरेडी कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। अभी तो आप उसको अपनी भाषा में क्या करेंगे भैया, एक्सप्रेस करेंगे। समझ आ रहा है? चलो अपना इंट्रोडक्शन दो फटाफट। Dear friends, my name is Mahiram. I come from UP district Jalon. My father name is Mr. Suresh Kumar. He is a shopkeeper. My mother name is Mrs. Phulwati Devi. She is a housemaker. There are 5 members in my family. I have completed schooling in 2021. Currently, I am doing graduation BSc from Bundelkhand University. My hobbies are to playing cricket and reading books. I want to join Indian Air Force as an airman to serve my nation because I want to touch sky with the glory. Lovely, बेहतरीन, लाजवाब। The introduction part is fantastic. The pronunciation is up to mark. The expression is up to the mark. Every sentences are up to the mark. मतलब एक ऐसा statements बोला है जो मुझे अंदर से impress किया, तो obviously it will impress to other all. बस सबसे अहम जो है मेरे बच्चे, मैं आपसे जो चाहता हूँ वो यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना रट्टू तोता मत बनिएगा। वहाँ जो सबसे ज़्यादा rejections आए हैं उन्हीं लोगों के आए हैं जिनके अंदर common sense नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? एक personality नहीं होती है, एक maturity नहीं होती है। अब तुम सोचो, मैं एसर बन के बैठा हूँ और कोई बच्चा मुझे रोबोट की तरह एक्टिंग करते हुए दिखे हर पार्ट पे, चाहे वो इंट्रोडक्शन दे रहा हो, चाहे वो जीडी के दौरान खुद को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो मैं बताऊँ उस रोबोट को पसंद करूंगा? नहीं। मैं एक ऐसे बच्चे को चाहता हूँ जिसके चेहरे पे खुशी हो, स्माइल हो, और मुस्कुरा करके वो अपना नजरिया, अपना विचार, अपना थॉट उस विषय पे रख रहा हो। मेरे दिल को जीत लिया उसने। और जी, आप कहाँ से आए हो जी? बस्ती जी। बस्ती जिले से हो? चलिए बढ़िया। तो फर्स्ट टाइम? यस सर। तो व्हाट इज स्कोर फॉर द एक्स एंड वाई? और सही बात करने में काहे का डर सर? इंट्रोडक्शन ही पूछ रहे हैं ना। सुनिए मेरा इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ।
सर इस टॉपिक पे मेरा विचार ही जानना चाहते हैं आप ना, तो सुनिए मेरा असल में विचार इस टॉपिक को लेके क्या है। लेकिन ये सब चीज बेटा इस लेवल के जिस कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये उसी विषय पे तभी आपको आता है जब वाकई में उस टॉपिक पे आपने खुद स्टडी की हो या अपना कोई नजरिया बनाया हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास रखना चाहते हैं, यही गलत हो जाता है। होता नहीं कि हमें लगता है कि नहीं यार उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू लो, मुझे उससे एतराज नहीं है, बट उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सप्रेस करने का नजरिया आपका होना चाहिए। दैट मीन उसमें इमोशन फीलिंग कनेक्ट आपका होना चाहिए। एक टॉपिक की चेकलिस्ट आपको मिल चुकी है, अब उस टॉपिक की चेकलिस्ट के हिसाब से हर चीज आपको समझना है। जी चल रहा है कि सर मेडिकल्स एक दो दिन के अंदर ही होने वाले हैं, तो सर पहले से हम प्रिपेयर हो गए जाएं वहाँ के इस चीज़ के लिए? देखो मुझे लगता है किसी चीज़ को आपको ब्रेक करना नहीं, हर चीज़ ओके करके जाओ, वैसे भी टाइम नहीं है, वैक्स वैक्स साफ कराने पड़ेंगे, कैविटी वेविटी सब क्लियर करके जाइए, ठीक है ना। किसी भी प्रॉस्पेक्ट पे गड़बड़ी हुई तो फिर वो तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो ही जाएगा। और एक दो दिन के अंदर नहीं, डेट्स मिलेंगे वहाँ से, डेट्स के बाद आप कंसर्न जो इनके सेंटर है मेडिकल के वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, तभी मेडिकल प्रक्रिया होगा ना। मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा जा रहा है कि सर बोल रहे हैं वहाँ की अगले दिन या दो दिन दिन के अंदर ही करवा लेंगे। हाँ एक हफ्ते, तो सर मतलब पहले से हम मतलब अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं? जी बिल्कुल करके जाएं। रीमेडिकल वाले फिर नहीं, रीमेडिकल वाला कंसर्न में ना फंसना, इसलिए हर चीज प्रॉपर ढंग से एक बार मेडिकल जांच पूरा करो, मेडिकल सेल के सेंटर से भी करा सकते, पूरा जांच करा के एकदम अप टू दमा। देखो मेडिकल क्या होता है ना बेटा, मेडिकल करा लेने से खुद का भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है अंदर से, भाई आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरे 14 डेंटल पॉइंट हैं, अब मुझे कोई कहानी ना बताए, चेक करा ले, मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, मुझे पता है, इसमें स्कीम बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात सोचो, कोई चीज जब प्रैक्टिकली आप कर ले तो आत्मविश्वास बढ़ता ही नहीं बढ़ता है, तो बस वही उसका मतलब है। अब जैसे हियरिंग वाले टेस्ट हैं सारे के सारे, भाई वो सुनवा रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं, उतनी दूर में बात कर रहे हैं, आपने भी उसको आइडेंटिफाई कर लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे मसल्स चेकिंग में, चाहे एल्बो का मामला हो, या छोटी पाम का इशू हो, चाहे आपके नॉकनी का इशू हो, फ्लैट फुट का हो, वेरिकस वेन का हो, जितने भी मसल्स रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो सारे टेस्ट हो गए, ओके हैं, तो क्या दिक्कत है भैया। बीपी नप गई, क्या नप गई बच्चा? नहीं, वहां जाके जिंदगी में पहली बार भैया बीपी नप हुआ है और इतना प्रेशर में थे कि ऑटोमेटिक बढ़ गया अपने आप, तो उस वजह से जाओ पहले बीपी सही करके आओ अपनी। तो ये छोटी छोटी चीज से जब बाहर हो तो अंतरात्मा को क्या होता है, बहुत दुख होता है। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके यहाँ साले बाहर करते हैं एयरफोर्स में, स्पेशली LFT और KFT होता है, लीवर फंक्शनल टेस्ट होता है और किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। तो इस स्पेशली टेस्ट में बहुत बच्चों को क्या करते हैं लोग, बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इवन ये कोई मर्ज या कोई ऐसा बीमारी टाइप का नहीं है आपके लिए, लेकिन जो है हिस्सा। तो 20 तरह के टेस्ट हैं, ब्लड में ही कुछ बता दिए, यूरिन में ही कोई इन्फेक्शन बता दिए, तो एक बार जब टेस्ट हो के आप ओके हो जाते हो तो आपका आत्मविश्वास अच्छा होता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, फौज खुद भी कहती है कि एक बार अपने आप को मेडिकली रीचेक करके आपको आना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, अल्टीमेट जो आपका विचार है उस विषय को लेकर के आप उसको रिपीट कर दे रहे हैं तो कोई क्राइम नहीं कर दे रहे हैं। आपने हो सकता है एक बार फिश मार्केट में बोला हो, फिर आपने माहौल रिलैक्स किया होगा, तो आप कह भी सकते हैं जेंटलमैन आई सेड समथिंग बिफोर बट आई वांट टू एक्सप्लेन इट मोर प्रॉपरली, फिर से आप उसको रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अल्टीमेट आपका जो देखो आप लोग उसको बहुत आइडियलिस्टिक मत लो, अल्टीमेट जो आपका ओपिनियन है, जो आपका विचार है, वो बस उन तक क्या होना चाहिए भैया, पहुंचना चाहिए, बस दिस इज ऑल। अब वो फार भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है, या आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं लगाई जाती है, ये आपका ओपिनियन है। हाँ बट हमेशा अच्छी बात ये मानी जाती है कि आप पॉजिटिव अप्रोच में रहें, किसमें रहें बच्चा, नेगेटिव अप्रोच में ना रहें, बस इतना ध्यान देना होता है। बाकी हो सकता है कहीं कहीं नेगेटिव अप्रोच भी हो, क्या हो, जबरदस्ती नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना, जबरदस्ती पॉजिटिव चीज को नेगेटिव बनाना, और बिना मतलब कि कोई सिचुएशन ना हो, न्यूट्रल सिचुएशन हो, बिना मतलब का जोश दिखाना, ये भी कोई अच्छी साइकोलॉजी का प्रेजेंटेशन नहीं है। इसको हम लोग पागल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पागल साइकोलॉजी। रियल ये है कि जो जैसी सिचुएशन है, जैसा मोमेंट है, उस हिसाब से खुद को रखने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी एंजॉय करें, 10 रुपये कुछ होता है, चलो मारो सेट हो जाओ, शाबाश, पोस्टर देखें, ठीक है चलो जाओ नीचे, शाबाश, 1 2 3, सर थोड़ा ऊपर रखो हल्का सा, हाँ स्ट्रेट रखा जाता है सर, 5 6 7 8 9 10, और करना है मारो ताली इसके लिए, एक बार मारो ताली।